मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ खेत वाली साइड, तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने मैं मामून के घर में आई हूँ, तो मैं बताऊँगी कि इन्होंने अपने खेत में क्या क्या सब्जियाँ लगाई हैं। तो क्या क्या लगाया अपने खेत में, ये सारे इनके खेत हैं। गाँव वाली साइड आई हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या लगाया है इन्होंने। करूँगी, ये है अमरूद का पेड़, इस पे अमरूद भी पड़े हैं। ये अमरूद दिख रहे होंगे आपको, ये अमरूद है, ये अमरूद का पेड़ है। और ये वाला जो पेड़ है, में कोई फ्लावर लगते हैं, चांदनी के हमें बोलते हैं, वो फ्लावर लगते हैं इसमें। और ये भी पीछे अमरूद का पेड़, ये एक और अमरूद का पेड़, ये भी अमरूद का पेड़, ये आम का है, आम का ये छोटा सा अभी। और ये गरगल, ये गरगल का पेड़ है जिसका अचार भी डलता है, ये कांटे भी हैं इसके साथ। और ये भी अमरूद का पेड़ है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सब्जी लगी है इनके खेत में। ये इनका खेत है वो लास्ट तक। सबसे पहले तो धनिया लगाई है, ये वाले और ये वाले खेत में पालक लगाई थी, पर पालक अभी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो अब ये है पालक है, इसकी खुदाई नहीं की थी इसलिए बीच में घास भी है इस पर। ये आगे पालक है, इस वाले की खुदाई की है। और ये पालक है। और ये चकंदर, ये जो रेड कलर का है ना, रेड, ये हमें तो क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर छोटी छोटी बीन मतलब फलियां जैसी पड़ती हैं, वो होता है क्यों का पेड़। ये वाला जो है ये फूल गोभी है, और ये वाली जो है ये पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी ये अभी होनी है, ये फूल गोभी है। और ये बीच में धनिया भी लगा है, और ये लहसुन लगा है। अभी इस वाले में बोल रहे हैं कि अदरक लगाएंगे, और इस वाले में भी लहसुन लगा है। ये जो है ये पत्ता गोभी है, ऐसी होती है स्टार्टिंग में। और अभी मैं चलूँगी आगे, ये सारी यहाँ पे जो है ये पत्ता गोभी लगाई है, इस साइड आगे भी उस साइड पत्ता गोभी, उसके पीछे जो है वो फूल गोभी। और ये लगाए हैं आलू, ये अभी होंगे फिर इनको इन। और वो जो मैंने आपको बताया जैसे, वो लहसुन है, और ये फूल गोभी है, ये सारी साइड फूल गोभी है, और इस साइड आगे जाके जो है वो पत्ता गोभी है। और ये भी आलू, ये भी आलू है इनकी, ये आलू उगेंगे ये यहाँ पे सारे। ये है ये वाला खेत, इन्होंने आलू का लगाया है। तो वो अभी नानू काम कर रहे हैं, साग तोड़ रहे हैं हमारे लिए। और ये है कड़म, यहाँ पे कड़म लगाया है। और ये शलगम है, वो आगे भी शलगम है जहाँ नानू है, उस वाले खेत में जाके बताती हूँ। ये प्याज की पनीरी है, और ये शलगम है, ये जो नानू तोड़ रहे हैं ये है मेथी का साग, ये ऐसा होता है मेथी का साग, इसका भी साग बनता है। और ये शलगम है, ये सोया है, ये भी सब्जी में डालते हैं। और ये शलगम, ये है कड़म, आपको बताती हूँ ये ऐसे, ये। और ये गाय रखी है, तो ये गोबर भी यहीं पे डालते हैं, इससे खाद बन जाती है। और ये गाय के लिए चारा लगाया है, बीच में शलगम भी है। उस वाले खेत में भी चारा लगा है और शलगम लगे हैं।
और यहाँ पे लगी है सरसों और गाय का चारा, और सरसों के साथ यहाँ पे साग भी मतलब होता है, जो सरसों का, सरसों जब छोटी होती है तो उसका साग बनता है हमारे यहाँ, तो आपने भी ज़रूर खाया होगा कभी ना कभी। हमारे यहाँ गंदल बोलते हैं उसको, गंदलों का साग डोगरी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।